करता हूँ कि आप आज इतनी संख्या में हमारे छोटे से निमंत्रण पे पधारे, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब रही बात की ये जो ओ पापा सॉन्ग है हमारे अरुण जी निकम जो हम सूरत से बिलोंग करते हैं, मैं भी एक छोटा मोटा फिल्मों में आर्टिस्ट हूँ और मेरी प्रगति पिक्चर प्रोडक्शन है, तो मैं अरुण जी मेरे पास एक प्रपोजल लेकर आए, ये मुझे को टाइटल अच्छा लगा ओ पापा, एक अनाथ बेटी जो रस्ते के अंदर किसी के द्वारा फेंक दी गई थी और उसको अरुण जी ने लेकर के एक अनाथ आश्रम में आते हैं, मैं अनाथ आश्रम का प्रिंसिपल हूँ और मेरे पास ऑप्शन लेके आते हैं भाई बच्चे को आपको बड़ा करना है, उस बच्ची को बड़ा करने के साथ साथ हम लोगों ने उसको संस्कार भी दिए और उस बच्ची को हमने पूरा अच्छी तरह से लालन पोषण किया जैसे हम अपने हमारे घर के बच्चे को करते हैं। कुछ समय के बाद 5-7 साल 8 साल के बाद अरुण जी उस बच्ची को वापस अपने संतान नहीं होने के कारण एडोप्ट करने के लिए आते हैं, तो मैंने उनको ये बच्ची सहर्ष उनको दे दी और अरुण जी ने उस बच्चे को पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया और अपने घर में लालन पोषण करके उसको खूब लाड प्यार दिया। बंधुओं, एक जो लावारिस बच्ची रस्ते में किसी के द्वारा फेंक दी जाती है उसके ऊपर अपन कल्पना करें तो उसके साथ क्या गुजरती होगी, एक बहुत बड़ा चर्चा का सोचने जैसा विषय है। उसके ऊपर अरुण जी के मन में आया कि क्यों ना इस बच्चे को अपन अपने घर में ले जा करके और उसको बड़ा करें, पढ़ाएं लिखाएं। आज हमारे देश की बच्चियाँ बेटियाँ बहुत देश का नाम रोशन कर रही है, जैसे आज हमारी राष्ट्रपति आदरणीय श्री मुर्मू जी भी एक बेटी है, हमारी सानिया मिर्जा देखो आप पीटी उषा देखो, आज हमारे देश में ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो देश का नाम रोशन कर रही है। ऐसे हमें जो अनाथ बच्चियां होती है उन अनाथ बच्चियों को अडॉप्ट करके और अपने को उनका एक नया भविष्य बनाना चाहिए और देश के काम ऐसा देश का नाम रोशन करे ऐसे उनको अपने को शिक्षा और संस्कार देना चाहिए। ऐसे इस गीत के माध्यम से अरुण जी ने जो संदेश पूरे देश को दिया है, मैं पूरे देश से और पूरे सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस सॉन्ग को सुने देखें और इसका पालन करें और हमें इस पूरे सॉन्ग को देख करके हमारे को पूरा इसका प्रतिशोध देवें, हमें आशीर्वाद देवें ताकि हमारा ये चैनल और हमारा गीत आगे बढ़े और हमें आगे हौसला मिले ऐसे अच्छे काम करने के लिए, ये मेरा मंतव्य है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम राजीव सुरती है, अरुण जी पिछले 4 साल से मेरे कॉन्टेक्ट में है, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ऐसे प्रोडक्ट मतलब ये प्रेजेंट किए हैं और बहुत ही अच्छा उनका मतलब वर्ड जो होते हैं वो इतने हार्ड टचिंग होते हैं। जैसे ही उन्होंने ये ओ पापा वाला ये मुझे बताया कि राजीव भाई मैंने ऐसा एक सॉन्ग ये किया है और अनाथ बेटियों के लिए है, आज बेटियाँ देखे जाए तो अनाथ ही होती है, उनको पता ही नहीं होता कि उनका घर कौन सा है, उनको आगे कैसे बढ़ना है, कैसा ये करना है, तो ये जो सॉन्ग के माध्यम से उन्होंने जो मम्मी पापा का जो उनको प्यार दिया है ये सॉन्ग में, वो एक बहुत ही अच्छा और ये अपने मैसेज दे रहे हैं समाज को और सही में बेटियाँ इसी लायक है प्यार के लायक, तो आप भी समझते होंगे कि एक स्त्री को जो मिलना चाहिए वो एक वो प्रेम प्यार ये सब देने का ये संदेश दे रहा है ये सॉन्ग के द्वारा। वो पापा सुन के उनका मैंने जो ये किया तो मैं तुरंत रूट से जुड़ गया और बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ आज कि ऐसे मेरे दोस्त हैं और आगे बढ़े, बस यही मेरा ये है। थैंक यू सो मच। हम सब गाने के बारे में बताइए, कैसा लगा गाना और कितना कनेक्ट किया था? देखिए, चश्मा पहना हुआ है क्योंकि मेरी आंखें नम है। बेटियाँ जो है वो बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है और मैं भी बेटी का बाप हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि ये जो फीलिंग है ये मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ा रिश्ता है दुनिया का, फादर और डॉटर का, और ये इतनी अच्छी कोशिश अरुण भाई ने और रशीद भाई ने और पूरी टीम ने मिलकर किया है और वाकई में ये एक निदा फाजली का बहुत खूबसूरत शेर है, वो कहने से ये सब आ जाता है इसमें कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो जो नमाज पढ़ने से, जो मंदिर में पूजा करने से जो पुण्य मिलता है वो पुण्य एक बच्चे को हंसा करके मिल सकता है, तो यहाँ तो बेटी को गोद लेने की बात है तो मुझे लगता नहीं है कि इससे बड़ा पुण्य दुनिया में और कोई हो सकता है। मैं अपनी तरफ से अरुण भाई को और उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। थैंक यू और बहुत बहुत मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि ये जो है इनका मिशन जो है वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें
हिंदुस्तान में एक भी बच्चा ऐसा ना हो जिसके सर पे माँ बाप का हाथ ना हो। अरुण जी आप क्या कहना चाहेंगे, रूप सर तारीफ कर रहे हैं, बहुत कम बार ऐसा देखने मिलता है कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी। एक्चुअली बात तो ये है कि सर का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है। सर को मतलब मान के चले कि 25 साल के बाद देखने को मौका मिला ये जाते हुए लम्हों, मतलब ये इस तरह का सॉन्ग है, मतलब सर के बारे में जितनी तारीफ की जाए कम है। और मेरे लिए आज का दिन किसी सपने से कम नहीं कि मतलब मैं इनका एक शिष्य हूँ और ये मेरे बारे में मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। बहुत अच्छा लिखा है और बहुत अच्छा गाया है, बहुत अच्छा कंपोज किया है, वीडियो भी बहुत अच्छा किया है। मतलब जो चीज़ अगर दिल से आदमी करता है तो उसमें असर जो है वो अपने आप पैदा हो जाता है, तो ये दिल से की हुई चीज़ें हैं। और ये बच्ची ने भी इतना खूबसूरत काम किया है कि वाकई में आंखें नम। थैंक यू सो मच। कल वैसे ये दिखाया था, बहुत अच्छा लगा। इनकी आवाज़ जो है वो सीधे यहाँ लगती है, सच में बहुत अच्छा गाया आपने अनुरंजन जी। और जैसे अनुषा जी ने कहा कि ये इतना प्यारा प्रयास है, गॉड ब्लेस ये आगे बढ़े। और दिसाई जी ने जिस तरह से कोशिश की है, ये जिस तरह आप सब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मैं भी ऑनर्ड हूँ कि मुझे यहाँ इस लायक समझा कि मुझे बुलाया गया, थैंक यू सो मच सर। अब ये खेद नहीं करेंगे, मनोज देसाई द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ जीसी और मल्टीप्लेक्स एंड भराड़ा भद्र सिनेमा। और मैंने एक फिल्म बनाई थी 1992 में रिलीज हुई थी, खुदा गवाह, जो मैंने अफगानिस्तान में शूट की थी। मुझे अभी भी याद है कि मेरे साथ जितने भी कलाकार थे वो सब के रिलेशंस वालों ने बहुत भर भर के गाली दी थी कि अगर श्रीदेवी जी वापस नहीं लौटी या अमित जी वापस नहीं लौट रहे तो तुम भी नहीं लौटना, तुम भी वही सुसाइड कर लेना। तो बच्ची क्या होती है वो मेरे से पूछिए। मेरे 11 साल के लग्न जीवन के बाद मुझे एक ही बेटी हुई, उसका नाम है पूजा देसाई। और आज की तारीख में मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी बेटे से अच्छा मेरा लुक आफ्टर कर रही हो, और मैं बहुत खुश हूँ। बेटियाँ होती हैं। अभी इसी वक्त अरुण निकालो किसका फोन है, मनोहर उदास जी का फोन आया हुआ है, जिन्होंने एक गुजराती में एक बहुत अच्छे गाना गायकी की है, दिकरी मारी लाड़को आई देवनी दिदेल छे लक्ष्मी लिदेल छे। हाँ ये कब बोलता है कोई, उनको भी दो बेटी है, दोनों एक ही घर में अमेरिका में बिहाई गई है और बड़े खुश है। और मैं शायद अभी उनसे बात करूँगा तो वो वही बोलेंगे जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ, बेटियाँ होती और बेटियाँ से बढ़ के कोई नहीं होता। तो अरुण को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इनक्रेज करता हूँ कि और इसी तरह सूरत से आए हुए जितने भी हैं उस सबके मैं तहो दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक नम्र विनती करता हूँ, इसको सपोर्ट करें जैसे मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल साथ में है, साथ में। बिल्कुल जी। और मैं अगर आपके पास 5 मिनट हो आपके पास तो मैं मनर जी को लगाना चाहता हूँ फोन और लाइव आप सुनेंगे उनको। एक्चुअली ये सॉन्ग है अनाथ बेटियों के ऊपर है, इसका टाइटल है वो पापा, और ये सॉन्ग जो है अनाथ बेटियों के ऊपर है। तो मोस्ट ऑफली स्पॉन्सर निशित भाई देसाई साहब ने किया है और हमारी टीम भी है, तो निशित भाई देसाई इसके बारे में बेटर बता पाएंगे। हम आप लोगों जो इतना बड़ा हौसला कर रहे हो आप इसे कर, एक सूरत में एक छोटा सा सब्जी बेचने वाला एक आम गरीब लड़का और सूरत के सारे लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने सबसे पहले कोरोना पर एक संदेश दिया, इसके बाद उन्होंने बेटियां बचाओ। आप सब जानते हो कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा 2 मंथ का गर्भ होता है, अगर वो फीमेल है तो इसे रिमूव किया जाता है। तो बेटियां बचाओ पर एक बहुत बढ़िया सॉन्ग उन्होंने किया और कुमार ने वो सूरत में लॉन्च किया। लेकिन ये जो आज हम आपके सामने हैं और आप इतना बड़ा हौसला कर रहे हैं, ये सॉन्ग बेटी को एडॉप्शन का है। एक बच्ची रास्ते में गुमनाम छोटी सी बच्ची है, उसको एक लड़का एक आम गरीब आदमी मिडिल क्लास पर्सन उसे अडॉप्ट करता है, उसको अनाथ आश्रम भेजता है। अनाथ आश्रम के बाद
फिर वो उसकी वाइफ के साथ जब वो वहाँ पे जब अनाथ आश्रम बेचता है तब उस वो ही वॉज ऑन मैरिज, लेकिन मैरिज के बाद फिर वो और उसकी वाइफ 6-7 साल की बच्ची को एडॉप्ट करके घर ला, मतलब एक अनाथ बच्ची का एडॉप्शन, बच्ची की जो आवाज है ओ पापा, मतलब ओ पापा, ये इसका थीम है, ये संदेश है। अगर आप पुराने दो सॉन्ग कभी टाइम निकाल के देखोगे 2 मिनट, तो आपको लगेगा कि आपकी सरस्वती के माध्यम से समाज परिवर्तन का एक सोशलाइज मैसेज है, संदेश है, ये बहुत बड़ा संदेश देने का प्रयास है। और आज बड़ी हिम्मत करके आपके सामने बॉम्बे में ये लॉन्च आज कर रहे हैं, हम आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि आप इतना हौसला जाहिर कर रहे हैं, और आपके आशीर्वाद और ब्लेसिंग से ये समाज परिवर्तन का ये सॉन्ग, ये सरस्वती बहुत आगे जाएगी और लोग इसे बहुत ही प्रतिभावित करेंगे। धन्यवाद सर। आप क्या कहना चाहेंगे इस सॉन्ग के बारे में, और थोड़ा सा अगर बताएं कि कैसे जुड़े आप सॉन्ग से? एक्चुअली सेंटर एक्चुअली ये सॉन्ग की शुरुआत ऐसे हुई थी कि मैं अपने एक फ्रेंड के साथ में गया था अनाथ आश्रम कुछ डोनेट करने के लिए, ठीक है। अब जब मैं डोनेट करने के लिए गया तो मैंने काफ़ी चीज़ें नोटिस की, जैसे कि दिवाली आती है, कोई त्यौहार आता है, तो महीने में सिर्फ एक बार उनको मतलब अच्छी फैसिलिटीज मिलती है, अच्छा प्यार मिलता है, लेकिन ये सब फेस्टिवल ख़त्म हो जाने के बाद उसका क्या। फिर मेरे दिमाग में ये सॉन्ग आया कि मैं एक राइटर हूँ, तो अनाथ बेटियों के लिए एक सॉन्ग बनाऊँ और इसको मैं मार्केट में ले जाऊँ। और एज अ राइटर क्या क्या चैलेंजेस थे कि लोग जो है एंटरटेन भी हो, और जैसे सर ने कहा कि एक मैसेज भी लोगों तक पहुँचे, अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहे एज अ राइटर? बस ये सॉन्ग सब तरह पहुंचे और लोग इसको अप्रिशिएट करें, बस इतना मैं दिल से चाहता हूं। और सर जो 2 लाइनें अगर आप बता दें हमारी ऑडियंस को गाने की। गाने की 2 लाइनें। तेरा मेरा रिश्ता है क्या, मुझको नहीं है पता, तूने कहा मुझको पापा, हैरान मैं रह गया, ना कभी मिल सका साया माँ बाप का, इस जहाँ में मिला प्यार सिर्फ आपका। ओ पापा मेरी सारी खुशियों का जहाँ। और इसको सर कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा वो भी बता दीजिए। इसको मैं एनी चॉइस, मेरा खुद का अपना यूट्यूब चैनल है जिसके साथ में कंबाइन में है प्रगति पिक्चर प्रोडक्शन और एंजॉय एंटरटेनमेंट।